हेलो भाई लोग, कैसे हो? फाइनली गाइस, देख सकते हो मैं अपना इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर न्यू हाउस मोड, GTA 5 मोड, मल्टीप्लेयर मोड और एरोप्लेन मोड ले चुका हूं। तो गाइस, आप भी अगर आपकी गेम के अंदर ये सब न्यू मोड लेना चाहते हो तो बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ ये सब न्यू मोड आप आपकी गेम के अंदर कैसे ऐड कर पाओगे। भाई लोग, ये सब न्यू मोड गेम पे ऐड करना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस एक सीक्रेट सेटिंग करना। जैसे ही आप वो सीक्रेट सेटिंग कर लोगे तो ये सब न्यू मोड आप आपकी गेम के अंदर ऐड कर पाओगे। तो भाई लोग, अगर आप चाहते हो आपके गेम पे भी न्यू हाउस मोड, GTA 5 मोड, मल्टीप्लेयर मोड और एरोप्लेन मोड हो जाए तो बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। भाई लोग, इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते तो 110% ऐसा न्यू मोड आप आपकी गेम के अंदर ऐड कर पाओगे, क्योंकि भाई लोग, इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूं वो सीक्रेट सेटिंग के बारे में, जिसको करने के बाद आप आपकी गेम के अंदर ऐसा न्यू मोड ऐड कर पाओगे। भाई लोग, यहां पे आप न्यू हाउस मोड का गेम प्ले भी देख सकते हो, जो कि हमारा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ऐड हो चुका है। और ये जो न्यू हाउस ऐड हुआ है ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, और इसके सामने देखो बहुत सुंदर एक स्विमिंग पूल भी है, जो कि देखने में और भी खूबसूरत लगता है। भाई चलिए, हम लोग थोड़ा सा घर के अंदर चल के भी देखते हैं घर के अंदर कौन कौन सा नया चीज ऐड हुआ है। घर के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं तो भाई देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे बहुत सारा चीज रखा हुआ है जो कि देखने में और भी खूबसूरत लगता है। और भाई, इसका साइड वाला रूम पे बेड मिल जाता है, पंखा मिल जाता है, टीवी मिल जाता है और भाई कंप्यूटर भी मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत घर है, और घर के अंदर जो रूम है वो तो देखने में खूबसूरत है ही, और बाहर से और भी खूबसूरत है। तो भाई, ये न्यू घर आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई, यहाँ पे आप GTA 5 मोड का भी गेम प्ले देख सकते हो, जो कि हमारा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ऐड हो चुका है, और फाइनली इसको मैं गेम प्ले कर रहा हूँ। तो भाई, ये सब न्यू मोड आप भी आपकी गेम के अंदर ले पाओगे। यहाँ पे आप मल्टीप्लेयर का भी गेम प्ले देख सकते हो, जो कि मैं और मेरा दोस्त बैठ के ड्राइव कर रहा हूं। तो भाई, ये सब न्यू मोड आप आपकी गेम के अंदर ऐड कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तभी आप जान पाओगे ये सब न्यू मोड आप आपकी गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो। भाई लोग, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर ये सब न्यू मोड आप कैसे ले सकते हो, इसको जानने से पहले हमेशा की तरह आज की वीडियो पे भी हम लोग मीट बस्टर को ट्राई करेंगे, उसके बाद जानेंगे ये सब न्यू मोड आप आपकी गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो। और हाँ भाई लोग, मीट बस्टर को कन्फर्म या ब्लास्ट करने से पहले आप लोगों से एक बिग रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई लोग आजकल मेरा चैनल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो व्यू बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि भाई लोग, आज अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ दिन बाद मेरा चैनल डेट हो जाए। इसलिए भाई लोग, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए, और एक ग्रो बस आप लोग ही करवा सकते हो। इसलिए आप लोगों से बिग रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। तो चलिए भाई लोग, अभी हम लोग मीट मस्टैंग को कन्फर्म या ब्लास्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला मीट पे भाई ने लिखा है, अगर मस्टैंग GT कार को ग्रीन कलर करके ओल्ड घर पे मस्टैंग GT को लेके जाओ तो उसका डोर ग्लो करेगा। ओके, चलिए भाई का मीट को ट्राई करके देखते हैं, भाई का मीट फाइनली कन्फर्म है या फिर ब्लास्ट है। तो भाई का मीट को ट्राई करने के लिए हम लोग सीधा चलेंगे पहले घर के अंदर। घर के अंदर जाने से पहले हमें कार लेना है, क्योंकि घर के अंदर तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग मस्टैंग GT कार को ले लेते हैं। तो मस्टैंग GT कार का चीट कोड तो आप सभी को पता ही है, तो यहाँ पे आ चुका है, इसको लेके हम लोग चलते हैं। अच्छा, ग्रीन कलर हम लोग घर के अंदर जाके करेंगे, ठीक है, पहले इसको लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पे जो गेट है ना बहुत छोटा है भाई। ओके, आ चुका है, तो अभी देखते हैं। अरे भाई, यहाँ पे तो इसी कलर में भाई व्हाइट हो चुका है, भाई देख सकते हो कितना खतरनाक ग्लो कर रहा है। ओ भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है। अच्छा, इसको ग्रीन कलर करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कलर, ओके कलर ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पे ओ भाई साहब क्या ओपी लग रहा है भाई। यहाँ पे जो गेट है इसका जो कलर है ये भाई बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो भाई, यही बोला था मीट पे, अगर आप मस्टैंग GT को घर के अंदर लेके जाते हो और उसको ग्रीन कलर करते हो तो उसका जो एक डोर है वो बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, तो यहाँ पे वही कर रहा है। तो भाई का मीट फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मीट को। नेक्स्ट मीट पे भाई ने लिखा है, पेट्रोल पंप के ऊपर चढ़ के अपना परछाई देखो। ओके, चलिए भाई के मीट को ट्राई करके देखते हैं। भाई के मीट को ट्राई करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा पेट्रोल पंप, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ भाई। ये क्या है, स्कॉर्पियो रेड कलर का, और यहाँ पे भाई मुझे लग रहा है खतरनाक स्टंट होने वाला है। अगर खतरनाक स्टंट हुआ तो लाइक कर देना। ओके, बहुत ही जबरदस्त स्टंट भाई, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग भाई के मीट को ट्राई करते हैं, तो भाई के मीट को ट्राई करने के लिए, और यहाँ पे बहुत स्पीड। ओ भाई साहब, अरे भाई क्या खतरनाक तरीके से निकला है, कोई बात नहीं, मजा आ गया भाई, इसके लिए एक लाइक कर देना। चलो भाई, अभी हम लोग पेट्रोल पंप के ऊपर भाई चढ़ना है, ठीक है, उसके बाद हमारा परछाई दिखना है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसके ऊपर हम चढ़ते हैं, और ये गया, हम लोग चढ़ गए। अरे भाई, अरे अरे भाई, ये गिर गया यार। ओ भाई साहब, चलो फिर से एक बार चढ़ के देखते। ओके, इसमें ट्राई करते इस बार, ठीक है। ओके, अभी चढ़ गया, चलो। अरे भाई, ये क्या हो रहा है। अच्छा भाई, मीट पे यही लिखा है क्या कि यही होगा, बस आप चढ़ ही नहीं पाओगे, बस गिरते रहोगे। अरे मतलब कुछ भी। ओके, लास्ट टाइम ट्राई करते और इस बार आई थिंक सक्सेस। ओके, इस टाइम चढ़ गए, तो चलो भाई। ओके, परछाई भाई, ये भाई परछाई ये किसके ऊपर खड़ा है यार, मतलब पेट्रोल पंप जो नीचे जो मशीन लगा हुआ है ना, उसका कोई भाई परछाई नहीं है, सिर्फ मेरा ही परछाई दिख रहा है, मतलब गेम का कैरेक्टर का परछाई दिख रहा है, ठीक है, मतलब नीचे जो जिसके ऊपर हम खड़े हैं उसका परछाई नहीं दिखता है। अच्छा, यहाँ पे कार मंगा के देखते, और कार के ऊपर आ गए, देखो परछाई, लेकिन कैरेक्टर के नीचे
जो मशीन है उसका कोई परछाई नहीं है, मतलब बहुत ही खतरनाक जादू। तो चलिए फाइनली भाई का अमित बहुत ही खतरनाक है, मेरी तरफ से भाई का अमित फुल्ली कंफर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मिथ को। नेक्स्ट मिथ पे भाई ने लिखा है 4x0 वाली स्कूटी मंगाओ उसमें चाबी मिलेगा, प्लीज ट्राई माई मिथ। ओके चलिए भाई के मिथ को ट्राई करते हैं। तो भाई के मिथ को ट्राई करने के लिए हमें भाई लेके आना है 4x0 वाला स्कूटी। तो चलिए भाई के मिथ को ट्राई करते हैं, 4x0 वाला स्कूटी लेके आते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे बहुत ही खतरनाक और एक स्टन हो चुका है जो की रॉयल्स रॉयल्स की तरफ से। अरे भाई ये तो भाई सर खत्म भाई, कोई बात नहीं भाई ऐसा होता रहता है। तो चलिए भाई के मिथ को ट्राई करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक अच्छा पोजीशन में आ चुके हैं। अभी हम लोग लेके आते हैं 4x0 वाला स्कूटी, आ चुका है नया स्कूटी है भाई। ओके यहाँ पे चाबी दिखता है क्या? नहीं। अच्छा स्नाइपर से देखते तो ओके स्नाइपर जूम कर लिए और चाबी, ओ फाइनली भाई चाबी मिल चुका है, फाइनली यार स्कूटी में चाबी है। तो भाई यही बोला था कि 4x0 वाला जो स्कूटी है उसमें चाबी लगा हुआ है, तो फाइनली लगा हुआ है। तो भाई का मिथ 100% कंफर्म है, भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चले भाई लोग अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मिथ को। नेक्स्ट मिथ पे भाई ने लिखा है अगर हम जोम्बी को उड़ाए तो नहीं उड़ेगा। ओके चलिए फाइनली जोम्बी उड़ता भी है या फिर नहीं, चलिए भाई के मिथ को ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई के मिथ को ट्राई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जोम्बी मोड को एक्टिव कर लेते हैं और यहाँ पे भाई फिर से और एक खतरनाक वाला स्कूटी लेके, मतलब हेलीकॉप्टर बन चुका है स्कूटी देख सकते। ओके कोई बात नहीं, अच्छा बेटा अभी तो रुक जाओ और स्टन वगैरह मत कर, अभी हम लोग भाई के मिथ को ट्राई करते ठीक है। तो यही पे हम लोग सबसे पहले जोम्बी मोड का एक्टिव करते। तो जोम्बी मोड का चीट कोड है 2030, जोम्बी मोड एक्टिव हो चुका है और अभी देखो भाई रास्ते में खतरनाक खतरनाक जोम्बी आ चुका है। अभी हम लोग थोड़ा सा उसके पास जाते, नहीं तो इसके दूर से अगर उसको उड़ाएंगे हवा में तो नहीं उड़ेगा ना। तो भाई अच्छा पोजिशन में आ चुके अभी दिख रहा है, तो इसके ऊपर फायर करते। ओके नहीं लगा फिर से, ओके लगा लेकिन नहीं उड़ा। ओ भाई अरे कहां गया भाई, उड़ा 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 फिर से ट्राई। ओके ये गिरा और भाई, ओ भाई 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 भाई, भाई ये तो रॉकेट बन चुका है, ये भाई उड़ गया लेकिन भाई बोला था नहीं उड़ता है। अरे यार ये तो उड़ गया, अरे रे फिर से एक बार ट्राई करे। ओके इसको भाई मजा आ रहा है लेकिन ये वाला मिथ ट्राई करने के लिए। ओ भाई अरे भाई भाई मैं तो डर ही गया, ओ भाई मेरा 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 तो किस्मत ही फूटा है भाई, कितना खतरनाक मजा आ रहा था भाई का मिथ को ट्राई करने के लिए। कोई बात नहीं लेकिन भाई यहाँ पे बोला था नहीं उड़ेगा लेकिन यहाँ पे भाई जोम्बी उड़ रहा था हवा में, तो भाई का मिथ एक तरफ से बास्ट है, फिर भी भाई का अच्छा कोशिश था। तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मिथ को। नेक्स्ट मिथ पे भाई ने लिखा है अगर आप कार शोरूम के अंदर जाके कोई कार स्पम करोगे तो कार स्पम नहीं होगा। ओके चलिए भाई के मिथ को ट्राई करते। तो भाई के मिथ को ट्राई करने के लिए हम लोग जाएंगे भाई शोरूम के अंदर और भाई यहाँ पे नाइट मोड और भाई क्या ओपी वाला स्टन भाई, भाई भाई क्या बताएं भाई, बहुत ही लाजवाब लग रहा है स्टन। यहाँ पे देख सकते हो नाइट मोड महिंद्रा थार ओबी मॉन्स्टर वाला और यहाँ पे स्टन खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं यहाँ पे हम लोग स्कॉर्पियो ले लिया येलो कलर और इसको लेके हम लोग सीधा चलते भाई कहाँ पे वहाँ पे मतलब कहाँ पे यार शोरूम पे चलते। ओके चलो भाई यहाँ पे और एक खतरनाक वाला स्टन, यहाँ पे पोपट बन चुका है भाई स्कॉर्पियो का। कोई बात नहीं भाई यहाँ पे सामने दिख रहा है भाई शोरूम और शोरूम पे पहुंच चुके हम लोग। अच्छा सबसे पहले हम लोग डेमोड कर लेते ठीक है। तो यहाँ पे नाइट मोड है ना, तो मोबाइल निकालते और यहाँ पे 9 पे कॉल करते हैं भाई, बहुत ही खतरनाक वाला जादू डेमोड हो चुका है ठीक है। तो अभी हम लोग इसके अंदर आ चुके, अभी कोई सा भी कार हम लोग स्पम करते। तो 4000 वाला जो कार है स्पोर्ट कार उसको हम लोग, अरे नहीं आया लेकिन भाई कुछ तो यहाँ पे हुआ, मतलब ऊपर कुछ आया हुआ, नीचे नहीं आया लेकिन ऊपर आया। फिर से एक बार ट्राई करते हैं 2000 रॉयल्स रॉयल्स और भाई ये भी नीचे नहीं आया, मतलब मुझे लग रहा है ना छत के ऊपर भाई सब स्पम हो रहा है। अच्छा थोड़ा सा साइड में करते हैं अगर हो सकता है बाहर आ जाए। ओके इस ये भी नहीं आया, मतलब ये भी नहीं आया। फिर से एक करते थोड़ा सा बाहर की तरफ और भाई ये तो खतरनाक, ये पुलिस कार देख सकते हो भाई शीशा के अंदर फंस चुका है जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो भाई यहाँ पे भाई बोला था शोरूम के अंदर स्पम नहीं होता है, तो यहाँ पे शोरूम के अंदर स्पम नहीं हो रहा है। तो भाई का मिथ फुल्ली कंफर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मिथ को। नेक्स्ट मिथ पे भाई ने लिखा है जोम्बी मोड पे एनपीसी को गोली मारने पे पुलिस नहीं आता है। ओके चलिए भाई के मिथ को ट्राई करते हैं फाइनली पुलिस आता है या फिर नहीं जोम्बी मोड पे अगर एनपीसी को मारते। तो चलिए भाई के मिथ को ट्राई करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यार, सबसे पहले हमें भाई जोम्बी मोड में जाना है ठीक है। तो यहाँ पे मस्टैंग जीटी का और एक खतरनाक स्टन, बहुत ही मस्त कार है भाई ये जो मस्टैंग जीटी है ना। आपको मस्टैंग जीटी कार कैसा लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे हम लोग जोम्बी मोड में चलते, तो यहाँ पे देख सकते हो भाई मैं जोम्बी मोड में शिफ्ट हो चुका हूँ। अभी हम लोग क्या करते, अभी हम लोग सबसे पहले घर से निकालते ठीक है। घर से निकालने के बाद सबसे पहले हमें भाई यहाँ पे एनपीसी मोड एक्टिव करना है, क्योंकि जोम्बी मोड में ना तो रास्ते में एनपीसी रहता है ना तो कोई कार रहता है, पूरा सुनसान दिखता है यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हम लोग सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल निकाल के एनपीसी कोड लगाते हैं ठीक है। तो एनपीसी का चीट कोड है भाई 12345 और यहाँ पे लगा चुका हूँ और यहाँ पे देखो एनपीसी आ चुका है रास्ते में ठीक है। अच्छा यहाँ पे कार भी नहीं है, तो हम लोग ना एक बार कार मोड भी एक्टिव कर लेते। तो कार मोड एक्टिव करने के लिए 54321 और यहाँ पे एक्टिव कर चुका, लेकिन भाई यहाँ पे कोई कार नहीं आया, मतलब जोम्बी मोड में कार नहीं आता लेकिन एनपीसी आ जाता है। अच्छा चलो अभी एनपीसी को
भूल ही करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनपीसी एक मार चुका हूँ भाई, स्टार्ट तो लग चुका है, लगता है पुलिस आएगा भाई। ओके, एक को मार चुका हूँ भाई, दो को भाई मार चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे भाई थ्री स्टार भी लग चुका है, और ये भाई फोर स्टार तो आई थिंक नहीं, फोर स्टार तो लगता ही नहीं है भाई, और ये फाइव स्टार भी लगा दिया। चलो, लेकिन भाई पुलिस मामू कहाँ है, नहीं आया पुलिस मामू। मतलब रियली यार, अगर आप जोम्बी मोड में होते हो तो जोम्बी मोड में पुलिस मामू नहीं आता है, तो ये बहुत ही मस्त है। क्योंकि ये बहुत टाइम ऐसा होता है ना, अगर हम लोग गेम खेलते हैं बार बार पुलिस आ जाता है, बार बार पुलिस पीछे पड़ जाता है, तो अगर आप जोम्बी मोड में होते हो तो भाई बहुत आराम से आप खेल सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, अनलिमिटेड भाई एनपीसी के ऊपर आपका गुस्सा निकाल सकते हो, मतलब अनलिमिटेड आप एनपीसी को मार सकते हो, जो कि बहुत ही गजब है। तो भाई का मीट फुल्ली कंफर्म है, क्योंकि भाई यही बोला था मीट पे, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मीट को। नेक्स्ट मीट पे भाई ने लिखा है हेलीकॉप्टर और 2120 एक साथ क्लिक करो, और कैरेक्टर गिरने से पहले हेलीकॉप्टर को उड़ाओ सी मैजिक। ओके, चलिए भाई के मीट को ट्राई करते हैं। भाई के मीट को ट्राई करने के लिए हम लोग सबसे पहले आपको समझा देते हैं भाई क्या बोला है। भाई बोला है सबसे पहले हमें हेलीकॉप्टर स्पॉम करना है, उसके बाद हेलीकॉप्टर और स्काई फॉल का चीट कोड एक साथ दबाना है, उसके बाद क्या मैजिक होगा चलिए भाई के मीट को ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले ना हम लोग हेलीकॉप्टर लाने से पहले यहाँ पे हेल का चीट कोड लगा लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे स्काई फॉल का चीट कोड लग रहा है तो पोपार्ट बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेल का चीट कोड लगा चुके हैं, अभी हम लोग लेके आते 8000, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत भाई, ये तो आधा मिट्टी के नीचे आ चुका है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग 1120 यहाँ पे दोनों को एक साथ लगाना है, ठीक है, हेलीकॉप्टर एंड कॉल। ओके, दोनों एक साथ कर दिया और बंदा आ गया ऊपर, और अभी ओके हेलीकॉप्टर भी उड़ाना स्टार्ट कर चुका हूं मैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ओके, हेलीकॉप्टर उड़ गया और बंदा, अरे वो भाई ये क्या हो गया, अरे अरे भाई साहब, ओ माय गॉड, ये भाई खतरनाक था यार, अरे ये तो पानी के अंदर आ गया, अरे अरे पानी से फिर ऊपर, ओ भाई गजब यार। अच्छा, बहुत ही खतरनाक मीट है, इसको फिर से ट्राई करना बनता है। तो सबसे पहले हम लोग हेल का चीट कोड लगा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग हेलीकॉप्टर मंगा लेते हैं। हेलीकॉप्टर का चीट कोड तो पता ही है, 8000 आ चुका है। अभी हम लोग भाई मोबाइल निकाल के भाई क्या करेंगे, वो वाला 1120 वाला डायल करेंगे, और भाई हेलीकॉप्टर पे भी बैठेंगे। तो बैठ गए, और भाई यहाँ पे क्या होने वाला, फिर से हम लोग हेलीकॉप्टर उड़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी क्या होगा। ओके, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है देख सकते हो, और बंदा ओके बहुत ही खतरनाक बंदा हवा में, ओके फिर से नीचे गिरा। मतलब हेलीकॉप्टर जैसे ही आप उड़ाते हो, जिस तरह हेलीकॉप्टर करते हो, ये बंदा ये देखो फिर वो भाई साहब, अरे भाई ये तो वॉलीबॉल या फुटबॉल बन चुका है यार, गजब यार, बहुत ही खूबसूरत है ये ट्रिक। फाइनली मुझे नहीं पता था, आप लोगों को क्या ये ट्रिक पता था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई का मीट फुल्ली कंफर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मीट को। नेक्स्ट मीट पे भाई ने लिखा है आप मॉनिस्टर थार लेके एयरपोर्ट जोम्बी मोड में जाओ, फिर जोम्बी के ऊपर थार को ले जाओ, उसके बाद देखो मैजिक। चलिए भाई के मीट को ट्राई करके देखते, बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पे महेंद्रा मॉनिस्टर थार लेके आ चुका और जोम्बी मोड के ऊपर चढ़ा दिया। अरे भाई यहाँ पे क्या हो गया यार, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो मॉनिस्टर थार है ना, ये बहुत ज्यादा हवा में उड़ता है भाई, कुछ भी हो जाए हवा में चले जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा धीरे से लेके चलते हैं, और यहाँ पे देखो भाई जोम्बी के ऊपर में कार लेके आ चुका हूँ, और भाई जोम्बी का क्या हो रहा है, जोम्बी सबके सब खत्म हो रहा है भाई, इतना स्पीड में भाई जोम्बी मर गया भाई, पूरा जोम्बी का देखो भाई वाट लग चुका है, मतलब इतना जल्दी इतना सारा जोम्बी मर चुका है, बहुत ही खतरनाक भाई। अगर आप बॉम्ब से भी इतना सारे को फोड़ोगे ना, फिर भी इतना सारा एक साथ नहीं मरेगा, लेकिन देखो महेंद्रा थार लेके आया भाई, मर गया यार, बहुत ही गजब है। आपको क्या पता था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फाइनली भाई के मीत पे मैजिक तो है, तो भाई का मीत मेरी तरफ से तो कंफर्म है। आप लोगों को क्या लगता है, भाई का मीत कंफर्म है या फिर नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं लास्ट एंड आखिरी मीत को। आखिरी मीत पे भाई ने लिखा है आप शोरूम में जाके बाइक बाय लिखोगे तो बाइक आ जाएगा। चलिए भाई के मीत को ट्राई करके देखते हैं फाइनली बाइक आता है या फिर नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं शोरूम के अंदर। तो शोरूम के अंदर जाने के लिए हम लोग ले चुके हैं भाई बहुत ही खतरनाक प्लेन, देख सकते हैं बहुत अमीर होना भाई, इसलिए भाई प्लेन लेके आ गया। और अरे भाई उतर भाई, प्लेन में आग लग चुका है भाई, अभी बास्ट होने वाला है। ओके भाई, किस्मत अच्छा है कि पहले ही उतर चुका है। चलिए भाई के मीट को ट्राई करते हैं। तो भाई के मीट को ट्राई करने हम लोग भाई आरजीएस टूल निकालते और यहाँ पे लिखते भाई बाइक बाई। ओके, बाइक बाई लिख के हम लोग सेव करते, और भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ आया भी नहीं, मतलब कुछ एक्टिव भी नहीं हुआ। लेकिन आप अगर यहाँ पे कार बाई लिखोगे ना, तो यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे कार बाई लिख के मैं सेव किया, तो देखो भाई साइड में आरजीएस टूल कार शोरूम में कार्स बाई मतलब लिखा हुआ आता है। लेकिन अगर आप बाइक बाई लिख के भाई सेव करते तो यहाँ पे देखो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है। तो यहाँ पे भाई का मीट तो मेरी तरह से ब्लास्ट है, फिर भी भाई का अच्छा कोशिश था, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस हम लोग
लोग इतना ही मीट बस्टर को कंफर्म या बास्ट कर पाए। आई होप आज की मीट बस्टर वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। भाई लोग इस तरह मीट बस्टर वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना और हाँ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि इस तरह मीट बस्टर वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए भाई लोग अभी हम लोग जान लेते हैं ऐसा न्यू मोड आपके गेम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो। भाई लोग ऐसा न्यू मोड हमारा गेम के अंदर ऐड हो चुका है, ये तो 100% गारंटी है क्योंकि मैं ये सब न्यू मोड का आपको गेम प्ले भी दिखा चुका हूँ। तो इस वीडियो में एक चीज तो श्योर हो चुका है कि ये सब न्यू मोड हमारे गेम के अंदर ऐड हो चुका है, लेकिन भाई लोग ये सब न्यू मोड हमारे गेम के अंदर अभी तक ऐड नहीं हुआ। क्यों ऐड नहीं हुआ ये मैं बता देता हूँ। भाई लोग ये सब न्यू मोड हमारे गेम के अंदर अभी तक ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये सब न्यू मोड के ऊपर अभी भी रोहित गमा सर काम कर रहा है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट अपडेट में ये सब न्यू मोड हमारे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी भाई आप लोग पूछोगे कि ये सब न्यू मोड का अपडेट अगर अभी तक नहीं आया तो आपके पास गेम प्ले कैसे आया, तो भाई इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। भाई ये जो न्यू मोड का गेम प्ले देख रहे हो ये सब गेम प्ले रोहित गमा सर हमारे पास भेजा है। रोहित गमा सर बोला ये सब न्यू मोड का गेम प्ले ऑडियंस को दिखाओ, अगर ऑडियंस को ये सब न्यू मोड पसंद आता है तभी नेक्स्ट अपडेट में ये सब न्यू मोड हमारा गेम के अंदर ऐड करेगा, अदरवाइज ये सब न्यू मोड अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आता है तो नेक्स्ट अपडेट में ये सब न्यू मोड गेम पे ऐड नहीं करेगा। तो भाई लोग पूरा आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो इंडियन बाइक डाबिंग 3D गेम के अंदर न्यू हाउस मोड, GTA 5 मोड, मल्टीप्लेयर मोड और एरोप्लेन मोड ऐड हो जाए तो बस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे उतना ज्यादा ये सब न्यू मोड गेम पे आने का चांस रहेगा। तो भाई आपका फेवरेट मोड का नाम लिख के कमेंट जरूर कर देना, दोस्तों से भी बोल देना आपका फेवरेट मोड का नाम लिख के कमेंट कर दे, क्योंकि जिस मोड का कमेंट सबसे ज्यादा आएगा नेक्स्ट अपडेट में वो वाला मोड आने का चांस सबसे ज्यादा रहेगा। तो बस भाई लोग दबा के आपका फेवरेट मोड का नाम लिख के कमेंट कर दो ताकि रोहित गमा सर नेक्स्ट अपडेट में आपका फेवरेट मोड गेम पे ऐड कर दे। तो बस भाई लोग आज के वीडियो में बस हमें इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था इंडियन बाइक डाबिंग 3D गेम का न्यू अपडेट के रिलेटेड जो कि रोहित गमा सर हमारे पास भेजा था। आई होप आज की इंडियन बाइक डाबिंग 3D गेम का न्यू अपडेट का इन्फॉर्मेशन आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। भाई लोग इस तरह इंडियन बाइक डाबिंग 3D गेम का न्यू अपडेट का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और हाँ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि इस तरह वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह और एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।